मॉनसून एक ऐसा सीजन होता है जिसमें बहुत सारे पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ पर आ जाते हैं। जो पौधे पूरे साल भर में अच्छी सी ग्रोथ नहीं पकड़ पाते, इस सीजन में वो पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लग जाते हैं। आज मैं कुछ ऐसे प्लांट्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो मॉनसून सीजन में अपनी जड़ें खुद ही निकाल कर अच्छे से लटक जाते हैं और बहुत बढ़िया से तैयार हो सकते हैं। इस टाइम पर हमें उन पौधों को पहचानना है और उन पौधों के नए प्लांट्स तैयार कर लेने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पौधे बन सकते हैं लेकिन हम बनाते नहीं हैं, और कभी ना कभी हमारा जो मेन मदर प्लांट होता है वो ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें एक प्लांट को कभी भी एक बनाकर नहीं बल्कि अनेकों बनाकर रखना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं कि प्लांटर्स की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं और कहां पर आप इनको पौधों को लगा सकते हैं। ये मेरा मनी प्लांट है और मनी प्लांट में जैसे कि आपको पता ही होगा कि एरियल रूट्स निकलती हैं और इससे आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। आई एम योर होस्ट पारुल, जॉइन अस ऑन अ कैप्टिवेटिंग जर्नी थ्रू लश लैंडस्केप्स एंड डिस्कवर द सीक्रेट्स बिहाइंड हाउ दीज रिमार्केबल प्लांट्स प्रिपेयर themselves to hang and sway the monsoon showers। ये है दोस्तों जीजी प्लांट, जिसकी मैंने कटिंग सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा दी थी और इसकी रूट्स जो हैं तैयार हो गई हैं। सिर्फ 15 डेज में इसकी रूट्स भी प्रिपेयर हो गई हैं। इसकी पत्तियों को मैंने इसी प्लांट से निकालकर और इसी गमले में लगा दिया था और बहुत अच्छी तरीके से मिट्टी में भी डाला नहीं था, बस बाहर ऐसे ही रख दिया था और अपने आप ही पानी और बारिश की वजह से इसमें से भी रूट्स अपने आप ही डेवलप हो गई हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्लांट्स अपने गार्डन में फ्री में ही तैयार कर सकते हैं। ये देखिए दूसरी लीफ भी मैंने लगाई हुई है जो कि जिसने मिट्टी को अच्छे से पकड़ लिया है और मेरे निकालने से भी ये बाहर नहीं निकल रहे हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन सर्टेन प्लांट्स हैव इवॉल्वड अ यूनिक सर्वाइवल स्ट्रेटजी, तो उनमें से प्लांट जो है ये भी एक प्लांट है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कुछ कुछ सिंगोनियम जैसा लगता है, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता लेकिन ये मुझे सिंगोनियम की ही वैरायटी लग रही है क्योंकि इसके कलर और जो इसका पत्तियों का डिजाइन है वो भी कुछ कुछ सिंगोनियम जैसा ही है। तो इसमें आती है एक वेन के जैसे रेड कलर की लाइन जो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, और कोलियस के प्लांट में भी इस टाइम पर बहुत सारी रूट्स निकल जाती है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैंने हाथ की मदद से आपको दिखाने की कोशिश की है, ये देखिए इसकी स्टेम में से कितनी सारी रूट्स निकली हुई हैं। तो इस टाइम पर अगर आप इनकी कटिंग लगा देते हैं तो ये बहुत ही इजीली प्रोपोगेट भी हो जाती है। तो कोलियस जितनी भी तरह के आपके पास अवेलेबल हैं, इस टाइम पर आप उनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप 4-5 दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, उस टाइम पर थोड़ी सी रूट्स आपको कम दिखेंगी, लेकिन अगर रेगुलर बारिश हो रही है आपके यहाँ पर तो आपको बहुत सारे प्लांट्स में रूट्स निकली हुई दिखाई दे जाएंगी। बस उसी टाइम का आपको फायदा उठाना है और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मरवे के पौधे को जनरली मैं कटिंग से नहीं लगाती हूँ, लेकिन मौसम जब बारिश का होता है तो आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। ये देखिए मरवे का पौधा है और मरवे के पौधे की भी रूट्स मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कितनी सारी रूट्स स्टेम में से ही निकली हुई हैं। तो बस यहीं से कट कीजिए और इसे जमीन में लगा दीजिए बहुत ही अच्छे से, या मिट्टी में कहीं भी आप गमले में इसको कैसे भी लगा सकते हैं। इस टाइम पर आप इसको बड़ी ही इजीली स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसके जो है कुछ बीज भी इसमें डाल रखे हैं, तो कुछ प्लांट्स इसके उग गए हैं। बरसात में अगर बीज आपके पास आपने कलेक्ट करके रखे हुए हैं इसके सूखे हुए, तो इस टाइम पर मरवे के आप बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे से ये प्लांट्स जो हैं वो रेडी भी होने लग गए हैं। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं इसे किसी अलग गमले में शिफ्ट कर दूंगी। तो इस टाइम पर अगर आप स्टेम कटिंग से लगाना चाहते हैं तो मरवे को फटाफट से लगा दीजिए, क्योंकि मरवा तो जितना ज्यादा आपके घर में होगा उतना ही कम है, क्योंकि इस टाइम पर बनती है मरवे की ढेर सारी चटनी और पेट के लिए हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है मरवा। और क्योंकि इस टाइम पर बीमारियां भी पेट से रिलेटेड ज्यादा होती हैं, इसलिए मरवे को ज्यादा से ज्यादा प्रोपोगेट करना है। इसी टाइम पर ये देखिए
कुछ तो रूट्स इसमें अपने आप ही बन जाती हैं, लेकिन ये जो बरसात में स्पाइडर प्लांट की रूट्स आप देखेंगे कि अलग से आपको नजर आ रही होगी, ग्रीन ग्रीन सी, और बाकी ऊपर जो है ये ब्लैक ब्लैक, ये ऑलरेडी बनी हुई रूट्स होती है, लेकिन जो ग्रीन वाली है वो अभी बरसात की वजह से ही, देखिए कितनी लंबी रूट्स लटक गई है इसमें, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर तो लगता ही है, साथ में आप अपने इस पौधे को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी टाइम पर इसमें से फ्लावरिंग भी होती है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, व्हाइट कलर के इसके फ्लावर, और इसी में से निकल जाते हैं इसके सीड्स। तो आप इसको सीड से या फिर इसकी जो इसके पब्स निकलते हैं उनमें से कैसे भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को लगाना बहुत ही इजी होता है। फिर आ जाते हैं आपका ये सिंगोनियम का पौधा, और सिंगोनियम में देखिए किस तरह से रूट्स निकली हुई है। सिंगोनियम की मेरे पास काफी सारी वैरायटी है, कुछ छोटे में है, कुछ बड़े में, कुछ लंबे पत्ते हैं और कुछ चौड़े, तो इस तरह के बहुत सारे, और अलग से कलर भी इसमें पिंक कलर भी मेरे पास अवेलेबल है, तो इसको भी मैंने जो है रूट से ही डेवलप किया हुआ है। जैसे इसकी रूट्स अब निकली हुई है तो इसी तरीके से मैंने इसके ढेर सारे प्लांट्स बना दिए हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये हैंगिंग प्लांटर में लगने वाला, नेक्स्ट है ये टर्टल वाइन का प्लांट। इसमें से देखिए आपको रूट्स क्लियर कट नजर आ रही होंगी, इसको भी गर्मियों में आप बड़ी ही इजीली स्टेम कटिंग से लगा सकते हैं, और इसमें से देखिए इस टाइम पर इतनी सारी रूट्स बन गई हैं कि आप कहीं से भी इसको रूट इसकी मिट्टी में दबाएंगे और ये तुरंत से आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। सर्दियों में ये थोड़े दिन के लिए डोर्मेंसी में चला जाता है, लेकिन गर्मियों का जो सीजन होता है वो इसकी ग्रोथ का होता है, तो इस टाइम पर इसको जरूर प्रोपोगेट करना चाहिए। फिर आ जाता है आपका ये क्लेंचो का, क्लेंचो की कटिंग को इस टाइम पर जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके पास पुराना क्लेंचो लगा हुआ है तो जैसे कि मेरा भी ये गमला बिल्कुल खराब सा लग रहा है, तो मैं इसकी कटिंग्स को दोबारा से इसी गमले में लगा दूंगी। डेविल बैकबोन को भी आप जो है कटिंग से इस टाइम पर लगा सकते हैं, इस टाइम इसकी रूट्स भी अपने आप ही डेवलप हो जाती हैं। ये जो है मैंने मिट्टी में से ही निकाल कर धोकर दिखाया है, इसमें से देखिए आप किस तरह से रूट्स जो है निकल रही हैं, और ये जो स्टेम थी ये काफी बाहर की तरफ थी जिसमें रूट्स मुझे नजर आ रही थी, तो आपको दिखाने के लिए मैंने इस डेविल बैकबोन के पौधे को थोड़ी देर के लिए मिट्टी से निकाल दिया है, और मैं अब इसको मिट्टी में दोबारा से लगा दूंगी। इसको वैसे आप कटिंग से बहुत ही इजीली लगा सकते हैं, लेकिन बरसात में देखिए इसकी रूट्स जो हैं खुद ही बन जाती हैं, तो आपको इसे लगाना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। बरसात के मौसम में आप फ्री में ढेर सारे प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप भी जो है अपने गार्डन को हरा भरा और बहुत ही बढ़िया पौधों से। पर्पल हर्ट में से भी कुछ इसी तरह की रूट्स निकल जाती हैं, तो इसलिए पर्पल हर्ट को तो वैसे आप साल भर किसी भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर इसकी रूट्स अपने आप ही बाहर निकल जाती हैं, निकल कर लटक भी जाती हैं, तो आपको खुद ही नजर आ जाएंगी। और ये मॉस रोज का पौधा है, मॉस रोज को भी आप इस टाइम पर लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ होती है। जेड प्लांट में से भी मैंने रूट्स निकली हुई देखी, तो मुझे लगा आप लोगों से इसको भी शेयर करना चाहिए, और इसकी रूट्स भी आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे मॉस रोज में। ये दूसरे वाला मॉस रोज है जिसमें से छोटे छोटे से फ्लावर्स ढेर सारे निकल जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ये पौधा जब आप इसके बहुत सारे इकट्ठे फ्लावर्स को देखते हैं। ये देखिए इसमें से भी रूट्स निकली हुई हैं। सभी पौधों में से इस टाइम एरियल रूट्स निकल जाती हैं, कोई कोई ऐसा पौधा होता है जिसमें से एरियल रूट्स नहीं निकलती, लेकिन फिर भी आप उसको कटिंग से लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें से भी कितनी सारी रूट्स इस टाइम पर निकली हुई हैं। तो अगर आपके पास ये वाला प्लांट नहीं है तो आप किसी से ले सकते हैं, अगर किसी और के पास नहीं है तो आप किसी को दे भी सकते हैं, और अपनी बहुत सारी हैंगिंग बास्केट भी इस टाइम पर आप तैयार कर सकते हैं। Join us for an immersive experience as we celebrate the blender of पौधों की जड़ें and marvel of the ingenious way in which nature copes with the whims of monsoon season. मैंने बहुत सारे प्लांट्स लास्ट ईयर भी बरसात के मौसम में ही लगाए थे, जिसमें से इसी तरीके से एरियल रूट्स निकल गई थी, और लगाना इतना इजी हो जाता है, ऐसे प्लांट्स को प्रोपगेट करना बहुत ही आसान होता है। ये देखिए इसको तो मैंने कटिंग से अभी लगाया था, आपको बता भी दिया था जिस टाइम मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, और ये चल भी गई है। तो बरसात में आपको कोई भी नए तरीके अप्लाई नहीं करने पड़ते, बड़ी ही इजीली इसी तरीके से चल जाते हैं हर पौधे। और ये देखिए वॉन्डरिंग ज्यू में तो इस टाइम इतना सुंदर कलर आ रखा है कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। दो तीन तरह के कलर्स अब वॉन्डरिंग ज्यू से निकल रहे हैं, और इसमें से भी देखिए इस तरीके से रूट्स निकल जाती हैं। बहुत इजी होता है इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगाना, बहुत ही आसान है, और भरी हुई इसकी बास्केट बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। गाइस हैंगिंग बास्केट
आपके लिए मुझे सबसे बेस्ट प्लांट वॉन्डरिंग जूही लगता है, जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल लगता है। कहीं से आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये नेचुरल प्लांट है, बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक आती है इसमें से। और आप इसको अपने ड्राइंग रूम में या कहीं भी ऐसे भी लगा सकते हैं, छोटे से पॉट में भी, बड़े से में भी, किस में भी आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, इसमें से भी बहुत सारी एरियल रूट्स निकल गई हैं, और इसे भी मैंने इसी टाइम पर लास्ट ईयर लगाया था, और मुझे इसके लिए कोई गमला अभी तक नहीं मिला है, और मुझे इसे लगाना भी मैं भूल गई, तो इसको भी मुझे शिफ्ट करना होगा। इसमें से देखिए रूट्स निकली हुई हैं इस टाइम बरसात में। तो अगर आपके पास कोई गमला नहीं होता तो आप किसी भी बिस्किट के कंटेनर में और कहीं पर भी आप इन सब प्लांट्स को लगा सकते हैं। वैजंती माला के प्लांट में भी इस टाइम पर एरियल रूट्स निकलती हैं, और इसी टाइम पर आप अपने एक पौधे से अनेकों पौधे बना सकते हैं। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू विटनेस द मैजिक ऑफ हैंगिंग गार्डन, गेन अ डीपर एप्रिसिएशन फॉर द रिजिलेंस ऑफ लाइफ इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद द वंडर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।